हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक्सेल के एक और नए वीडियो में। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास बहुत लार्ज डेटा दिया गया है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली भी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे ही मैं स्क्रॉल डाउन करूँ तो ऊपर की हेडलाइंस शो नहीं होती, वो भी ऊपर शिफ्ट हो जाती है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ कि ऊपर की हेडलाइंस यहाँ पर फ्रीज हो जाए जैसे ही हम स्क्रॉल डाउन करें, तो उसके लिए हमें पहले जाना है व्यू टैब पर। यहाँ पर विंडो ग्रुप पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्रीज पेन्स। फ्रीज पेन्स ऑप्शन पर क्लिक करें और हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे फ्रीज टॉप रो। इसे सिलेक्ट करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हम जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे हमारा फर्स्ट रो फ्रीज हो चुका है और हम इजीली डेटा व्यू कर सकते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम चाहते हैं कि फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो जाए तो हम फ्रीज पेन ऑप्शन पर जाकर फ्रीज फर्स्ट कॉलम सिलेक्ट कर लेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा फर्स्ट कॉलम यहाँ पर फ्रीज हो चुका है। लेकिन आप अभी देख सकते हैं जैसे ही हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो गया हमारा रो अनफ्रीज हो चुका है। तो अगर हमें इन दोनों को एक साथ फ्रीज करना है तो हम क्या करेंगे, हम स्टार्टिंग डेटा पर आ जाएंगे। पहले हम इसे कर देंगे अनफ्रीज पेंस। अनफ्रीज करने के बाद आप देख सकते हैं अनफ्रीज हो गए हैं। हमें सिलेक्ट कर लेना है B2 सेल क्योंकि हमें फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम फ्रीज करना है। तो यहाँ पर हम B2 सेल सिलेक्ट कर लेंगे और फिर हम जाएंगे फ्रीज पेंस पर। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन फ्रीज पेंस हम कर लेंगे सिलेक्ट। अभी आप देख सकते हैं ये हमारा फर्स्ट रो फ्रीज हो चुका है एंड ये हमारा फर्स्ट कॉलम फ्रीज हो चुका है। तो इस तरीके से आप फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम दोनों ही फ्रीज कर सकते हैं। अब मान लीजिए आपको फर्स्ट 3 रोज फ्रीज करने हैं और फर्स्ट 2 कॉलम फ्रीज करने हैं, तो फिर हम सिलेक्ट कर लेंगे C4 सेल। इसे सिलेक्ट करते ही हमें जाना है फ्रीज पेन ऑप्शन पर। पहले हम इसे अनफ्रीज कर लेंगे फिर अब हम फिर से इसे फ्रीज करेंगे। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फर्स्ट 3 रोज और हमारे फर्स्ट 2 कॉलम्स यहाँ पर फ्रीज हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को प्रॉपरली कस्टमाइज कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों एक्सेल में इस तरीके के और भी टिप्स एंड ट्रिक्स वाले वीडियो को हिंदी लैंग्वेज में सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल राज सिंह माइक्रोसॉफ्ट को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।